अभी क्या होता था पहले के टाइमों में कि अगर आपने मशीन खरीद ली तो आपके घर में से एक बंदा परमानेंट मशीन के पास बैठा रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी ऑपरेटर डीजल निकाल लेता है या फिर आपको बोल रहा है कि मालिक यहाँ मशीन चल रही है और खुद अपने 200 रुपये में कहीं और चला रहा है एक्स्ट्रा बढ़ा के, तो वो वहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो कंपनी ने ना उसका कुछ सोल्यूशन लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप है ना जेसीबी से क्या कमाई करें, कैसे कमाई करें, और बहुत सारे सवाल है मेरे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए मुझे कि मुझे 74, 49, 2DX, 3DX क्या लेना है मुझे, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, मैं खुद परेशान हूँ। आप बताइए मुझे कि कौन सी मशीन लेनी है भाई। देखो अभी ऐसा है कि हमारे पास ना जेसीबी के पास दो अभी जो ट्रेंड में चलते हैं वो दो मॉडल है, एक तो 49 HP है और एक 74 HP है। 49 HP जो होता है ना वो BS3 में मशीन आती है, बहुत ज़्यादा सादा सिंपल मशीन है, तो मैं तो ज़्यादातर लोगों को प्रेफर करता हूँ कि आप 49 HP पे जाइए। वो 74 मशीन भी है बट वो थोड़ी सी क्या एडवांस आती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बढ़ जाता है। कुछ लोगों को क्या पसंद नहीं होता है कि भाई हमारी मशीन में कोई ज़्यादा तामझाम हो, बार बार क्या होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वही इंजीनियर को बुलाओ, लैपटॉप लगाते हैं उसको, ट्रबल शूटिंग वगैरह दुनिया की से ना कुछ लोग 49 पे जाना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ें अभी आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास दोनों मॉडल खड़े हुए हैं यहाँ पे, 49 और 74 HP। सर तो ये बताइए आप 74 के फीचर्स बताइए मुझे कि क्यों अपन को 74 हॉर्स पावर लेनी चाहिए, क्या खासियत है इसकी, इंजन कौन सा है, डीजल कितना कंजप्शन करता है, क्या फाइनेंस करें, कौन कौन सी कंपनी फाइनेंस करती है, और अगर हम जैसे ले लें तो इंडस्ट्रियल पर्पज हमें कौन कौन सी जगह इसका वर्क मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप सोचिए मशीन की बात कर लेते, तो अभी जो हमारे पास मशीन 74 HP में, इसमें अगर इंजन की बात करें तो अभी जेसीबी का इंजन इसमें फिलहाल आ रहा है, पहले किर्लोस्कर का आता था बट बहुत टाइम पहले वो बंद हो चुका है। अभी जेसीबी अपना खुद का इंजन दे रही है, जेसीबी पूरा मतलब एक कोशिश कर रही है कि एक ही प्रोडक्ट का एक ही ब्रांड होना चाहिए, तो जिससे क्या होता है कि कॉस्टिंग कम है, खर्चा जो होता है वो कम आता है, जो टैक्सेस देने पड़ते हैं दुनिया भर की दूसरी अदर वेंडर्स वगैरह को, तो उसकी वजह से जेसीबी कोशिश कर रही है कि वो अपना खुद ही मैन्युफैक्चर करे और खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाए। तो अभी इसमें जो इंजन आ रहा है वो जेसीबी का अपना खुद का इंजन आ रहा है, और जो अभी 74 HP में है तो वो VS4 में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से अगर 50 HP के ऊपर अगर आप इंजन बना रहे हो तो आपको VS4 में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर दैट रीज़न तो अभी VS4 इंजन आ रहा है। और अगर हम इसमें फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इश्यूज देखने को मिल जाते हैं जो कि पूरी मशीन को कंट्रोल करते हैं, तो आपको एक मशीन इश्यू मिल जाता है और इंजन इश्यू मिल जाता है। तो इसमें आपको एक लाइव लिंक भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप मतलब आप घर बैठे बैठे आपकी मशीन को ट्रैक कर सकते हो। कभी क्या होता था पहले के टाइमों में कि अगर आपने मशीन खरीद ली तो आपके घर में से एक बंदा परमानेंट मशीन के पास बैठा रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी ऑपरेटर डीजल निकाल लेता है या फिर आपको बोल रहा है कि मालिक यहाँ मशीन चल रही है और खुद अपने 200 रुपये में कहीं और चला रहा है एक्स्ट्रा बढ़ा के, तो वो वहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो कंपनी ने ना उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला है, उन्होंने एक लाइवली सॉफ्टवेयर निकाला जो GPS के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, तो आप घर बैठ के ट्रैक कर सकते हो कि भाई मेरी मशीन कहाँ चल रही है और अभी इसमें डीजल कितना है, और अभी मतलब आप हर टाइप का उसमें आप एनालिस कर सकते हो, जैसे आपने महीने भर में कितना बिजनेस कर दिया अपनी मशीन से, तो वो सारी चीज़ें उसमें होती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया जैसी मैंने अब आपके लिए। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि अगर आप ये 74 हॉर्स पावर लेते हैं तो ये आपको फ्यूचर में डिमांड में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है जी, ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंड करती है, साथ में ये आपको बताती है फ्यूचर के साथ, जैसे लाइव लिंक है, इश्यू है, इंजन ट्रिपल फोर इंजन है, इंजेक्टर लगे हैं, GR सिस्टम है, फुल अपडेटेड। जी 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 फुल अपडेटेड। आप मतलब अगर आपको फुल अपडेटेड फीचर्स में जाना है तो आप और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए आपको, तो आप जैसे भी 74 हॉर्स पावर लें। जी बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए आप। तो जैसे 49 हॉर्स पावर का बारे में आप मुझे बताइए, 49 हॉर्स पावर में क्या खासियत है, क्यों 49 हॉर्स पावर बनाई जेसीबी ने? 49 और 74 में कोई ज़्यादा डिफरेंट तो है नहीं है, मेजर चेंजेस ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, बस यहाँ पे जो आपको इंजन जो थोड़ा एडवांस मिलता है VS4 में, तो वहीं थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है, आपको उसमें ज़्यादा सेंसर देखने को नहीं मिलेंगे, और थोड़ा सा HP कम होने की वजह से आपको ना पावर में थोड़ा सा आपको पावर थोड़ी कम देखने को मिलेगी, तो बस एक यही उसका रीज़न है। बाकी आप उसको पूरा आप देखोगे बाहर से तो आपको कोई उसमें चेंजेस समझ में नहीं आएगा कि मशीन में कुछ कम है या ज़्यादा है, मतलब आपको देखने में भी सेम लगेगी मशीन,
आपके प्रोडक्शन में बस थोड़ा सा पावर का फर्क पड़ता है इसका। डीजल का मुझे बताइए कि डीजल का, हाँ डीजल का ऐसा है कि आपको दोनों मशीन में थोड़ा सा समथिंग 102 लीटर का फर्क पड़ता है। 49 एचपी की बात करें तो वो आपको 3 से 3.5 के बीच में अगर खाती है, और वहीं अगर VS4 की बात करें तो वो 4 से 5 के बीच में खा लेती है। तो मतलब वहीं है कि आप 102 लीटर आप अगर 49 एचपी पर जा रहे हो तो बचा सकते हो घंटे का। और ये अमाउंट भी एक टाइम बाद बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, अगर आप 200 रुपये अगर पर आवर्स के बचाते हो तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप महीने में कितना पैसे बचा सकते हो। इसका क्या है क्योंकि अपन जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं फाइनेंस के कि भाई आप फाइनेंस करवाना है, इसका प्राइस क्या है, क्योंकि तो लोग पूछते हैं कि 74 हॉर्स पावर का प्राइस क्या है, 49 का क्या है, तो आप मुझे प्राइस बता सकते हैं कि 74 हॉर्स पावर का क्या प्राइस है। प्राइस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सोहेल जी आपको 74 एचपी जो मशीन है आपकी वो आपको लगभग 37.5 या 38 की मिलती है। मतलब वो एक फिक्स नहीं होता अमाउंट, वो अलग अलग स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो जाता है, तो क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी होता है कुछ, तो आपको एक फिक्स नहीं होता है। बट मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ ये 37 या 38 के समथिंग पड़ती है, और वहीं 49 एचपी पे अगर आप जाते हो तो वो आपको 3 लाख रुपये सस्ती पड़ जाती है। वो फाइनेंस की रही बात, तो फाइनेंस ऐसा है कि कस्टमर अच्छा है कि खुद का फाइनेंस सही से लेके आए, तो वो क्या होता है कभी कभी फैमिली फाइनेंसर भी होते हैं, कुछ फैमिली में भी लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको वहाँ पे थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि वो ज़्यादा फाइनेंस कर देते हैं और चार्जेस भी कम लगाते हैं। अगर आप अदर जगह पे जाते हैं तो वो थोड़ा चार्ज भी ज़्यादा कर देते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपना ही फाइनेंसर कोई ढूंढे। कहने का मतलब ये है आपका कि अपन अपना फाइनेंसर रहते हैं वो तो है ही, पर जैसे डीलरशिप बेस्ड भोपाल में तो वो किसके थ्रू फाइनेंस करती है? हाँ जैसे अभी हम भोपाल में हैं यहाँ पे सोना बेटर जेसी में, तो ये यहाँ पे ना अभी स्कीम्स भी चल रही हैं फेस्टिवल की वजह से, तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरेट बैंक और कर्नाटका बैंक और बहुत सी ऐसी बैंक देखने को मिलेंगी जो कि फाइनेंस भी कर रही हैं और साथ में आपको कुछ ना कुछ स्कीम्स भी दे रही हैं। तो ये कितनी फंडिंग करती हैं कम से कम, जैसे 49 ये फंडिंग की जरूरत है, आपको 49 में आपको मतलब ये जैसे अगर आप डाउन पेमेंट की बात करें तो भाई पहले तो वो आपको सिविल पे डिपेंड करता है, और दूसरा फाइनेंसर आपको 80 कभी 85% भी आपको फंडिंग कर देता है, कभी कोई 90 भी कर देता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड मतलब आपने सिविल कैसे मेंटेन करके रखा है पहले टाइम से। तो चलिए तो ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो हम आगे और भी पार्ट लेकर आएंगे, तो आप अगर आपको इससे रिलेटेड वो वीडियो चाहिए, कुछ टॉपिक छूट गया है और आप हमें कमेंट में बताइए तो हम वो चीज़ कवर करते हैं।